गार्डन एक्सप्लोर चैनल में नया वीडियो एक तो लेके आए हैं। ड्रैगन फ्रूट का पेड़ में बहुत ही अच्छा एक तो फर्टिलाइजर आज यूज़ करेंगे, उसको घर में कैसे बनाना है और कैसे पेड़ में देना है जानेंगे। वीडियो को देखते रहिए। और इसमें जो फर्टिलाइजर है ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है पेड़ के लिए। सरसों का खल्ली को 2 से 3 दिन पानी में भिगो के रखना है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 5 लीटर पानी में लगभग 150 ग्राम सरसों खल्ली जो है भिगो के रखे हैं और ये 3 से 4 दिन तक इसको भिगोना है और छाव में इसको भिगो के रखना है। 4 दिन तक इसको भिगो के रखने के बाद इसको थोड़ा सा मिला लेना है, इसको थोड़ा सा हल्का करके मिलाना है। उसके बाद लगभग 20 लीटर पानी में इसको डालना है। बस इतना ही लेना है। 20 लीटर पानी में ऐसा ही जो मग है इसमें 3 मग लेना है। शुरू से बोल रहे हैं लगभग 5 लीटर पानी में इसको 100 से 150 ग्राम भिगाना है। जब ये 3 से 4 दिन हो जाएगा फिर इसको इससे 3 मग लेना है, लेके 20 लीटर पानी में डालना है। ऐसे 20 लीटर पानी में इसको लेना है। और ये खाली ड्रैगन फ्रूट नहीं, आप सब टाइप का पेड़ में इसको डाल सकते हैं। इसके साथ आपको एक तो फंगीसाइड भी लेना पड़ेगा, इसीलिए कि ये जो सरसों का खली है इसमें फंगस जो है अटैक होता है, थोड़ा सा फंगस होता है, थोड़ा कीड़ा लग सकता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें फंगीसाइड मिला लेंगे। आप कोई भी फंगीसाइड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं साफ फंगीसाइड जो है इस्तेमाल करता हूँ। इसको बढ़िया से मिलाना है।
उसके बाद इसको मग में लेके ये ड्रैगन फ्रूट का पेड़ में इसको डाल दीजिए। इसमें जो है कोई भी चीज़ का जो घाटती है ये पूरा कर देगा, जैसे नाइट्रोजन का या पोटाशियम का, मैग्नीशियम का, हर चीज़ का जो है फुलफिल कर देगा। इसमें एक पेड़ का जो है ग्रोथ और अच्छा से होगा, अच्छा से फल और फूल आएगा। और ये जो है आपके बागान में सबका सब पेड़ में ही डाल सकते हैं। देखिए चीकू का पेड़ है, इसमें भी डाल दिए। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र में सबसे अच्छा माना गया है। ये नींबू का पेड़ में भी डाल दिए हैं। अब इसको देखिए, अंगूर का पेड़ है, इसमें भी दे दिए हैं। ये फर्टिलाइज़र को बेस्ट फर्टिलाइज़र माना गया है। पुदीना का पेड़ है, उसमें भी दे दिए। सब पेड़ में दे, देखिए ये लौंग के पेड़ है, इसमें भी दे दिए। पुदीना पेड़ में भी दे दिए। ये फर्टिलाइजर आप हर एक पेड़ में दे सकते हैं। ये देखिए और एक तो ड्रैगन का पेड़ है, इसमें भी दे दिए। ये बोगेनवेलिया का पेड़ है और इसमें देखिए कितना अच्छा फ्लावर भी आया हुआ है, इसमें भी डाल दिए हैं। आप ये फर्टिलाइज़र को हर एक पेड़ में डाल सकते हैं। देखिए ये अमरूद का पेड़ है, इसमें भी दे दिए। एक तो नींबू का पेड़ है और बहुत सारा इसमें फल भी आया हुआ है। देखिए कितना सारा नींबू इसमें आया हुआ है। इसमें भी डाल दिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं कि 90% जो है मेरा चैनल का जो व्यूअर है वो सब्सक्राइब नहीं करता है, तो सब्सक्राइब थोड़ा करिए, अच्छा लगता है। और अच्छा अच्छा वीडियो लाने में थोड़ा सा
मन भी करता है। तो सब पेड़ में ही आप डाल सकते हैं इसको, ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर है। ये और एक नींबू का पेड़ में इसको देंगे, इसमें भी देखिए कितना नींबू देखिए आया हुआ है। इसमें जो है अब जितना भी खाद डालिए, जो खाद का कमी इसमें रहेगा वो इसको फुलफिल कर देगा, इसलिए इसको सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर माना गया है। बस और फिर आप 20-21 दिन बाद एक बार फिर से दे दीजिए। 20-21 दिन बाद अगर फिर दीजिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिकली इसमें देखिएगा ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा और अच्छा से। और ड्रैगन फ्रूट का पेड़ में गर्मी में देखिएगा बहुत सारा फल और फूल आया है। तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू।